Hello students, all of you know that our heart beats whole life without rest and without fatigue and acts as double pump continuously pushing blood into arterial system. आप सब जानते हैं हमारा हृदय लगातार धड़कता है बिना रुके बिना थके पूरे जीवन पर्यंत और क्या करता है ये ब्लड को पंप करता है हमारे आर्टेरियल सिस्टम में कैसे आज का टॉपिक यही है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट और वर्किंग ऑफ द हार्ट कैसे काम करता है हृदय आप सब जानते हैं पूरे एनिमल वर्ल्ड में जो जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है तो उनके जो हार्ट होते हैं उनको बेसिकली उनकी वर्किंग के आधार पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट कैटेगरी है न्यूरोजेनिक हार्ट एंड सेकेंड कैटेगरी है मायोजेनिक हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट वो होते हैं जिनकी कंट्रोलिंग ब्रेन के द्वारा होती है यानी कि एनिमल्स के ब्रेन से जो नर्व्स आती हैं वो हार्ट की वर्किंग को रेगुलेट करती हैं जबकि जो मायोजेनिक हार्ट होता है ये ऑटोनोमस होता है ऑटोनोमस मींस इसकी जो वर्किंग है इसका रेगुलेशन हार्ट की जो मसल्स हैं वो खुद करती हैं तो हार्ट की मसल्स कैसे हार्ट को रेगुलेट करती हैं इसको समझने से पहले आपको हार्ट की मसल्स का स्ट्रक्चर समझना होगा आपको याद होगा हमने लेक्चर थर्ड में जब हार्ट का स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो हार्ट की वाल्व है तीन डिफरेंट लेयर्स की बनी होती है एंडोकार्डियम मायोकार्डियम और एपिकार्डियम तो जो मायोकार्डियम की मसल्स होती हैं ये मस्कुलर लेयर होती है इसकी जो मसल्स होती हैं ये बहुत स्पेसिफिक होती हैं इनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं इन मसल्स की खास बात ये होती है कि ये वैसे तो स्ट्राइप्ड मसल्स की तरह से होती हैं लेकिन इनकी जो वर्किंग है वो न्यूरॉन्स की तरह से होती है तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं न्यूक्लियस इनका यूजुअली शेल के सेंटर में मौजूद होता है दीज आर कॉल्ड कार्डियक मायोसाइट्स या कार्डियक मसल सेल्स कहलाती हैं इनकी खास बात होती है कि ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं इसमें गैप जंक्शंस होते हैं और डेस्मोसोम्स होते हैं गैप जंक्शंस क्या काम करते हैं
गैप जंक्शंस जिस समय ये डिपोलराइजेशन हो रहा होता है, जैसे आप जानते होंगे न्यूरॉन्स में डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होता है, जिससे जो इंपल्सेस हैं नर्व्स की वो आगे पास होती हैं, तो इनका जो डिपोलराइजेशन है ये बहुत क्विक होता है। इन गैप जंक्शंस की वजह से जो आयंस का मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। ये आपस में जुड़ी होती हैं और ये सिंसिशियम बनाती हैं, जिसकी वजह से इनमें जो कंडक्शन है बहुत फास्ट होता है। अब ये जो कार्डियक मसल्स हैं, इनकी जो फंक्शनिंग है ये जैसा हमने आपको बताया न्यूरॉन्स की तरह से होती है। इनमें कंटिन्यूअस और रेगुलर इंटरवल पे डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है जो इन मसल्स के थ्रू मूव करती है, और यही बेसिक चीज है जो इनको ऑटोनोमस बनाती है, और पूरे हार्ट की जो रेगुलेशन है वो इनके डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो फोर चैम्बर हार्ट में ऊपर जो दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स हैं, तो इसकी जो मसल वाल्स हैं, इसकी जो वाल है, उसकी जो मस्कुलरिस लेयर है, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है और इनकी जो फंक्शनिंग है वो मॉडिफाई हो जाती है। पूरी हार्ट वाल की जो मसल्स हैं, इन सब में जो कंडक्शन है वो प्रॉपर होता है, लेकिन उस कंडक्शन को जनरेट करने के लिए कुछ मसल्स मॉडिफाई हो जाती हैं और ये नोड्स बना लेती हैं। इन नोड्स और इन मसल्स से मिलकर हार्ट का पूरा कंडक्टिंग सिस्टम बनता है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम। तो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम समझने के लिए हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको लेवल नहीं करेंगे, सिर्फ कंडक्टिंग सिस्टम को लेवल करेंगे, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स आप हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उस लेक्चर में देख चुके हैं। This is the pulmonary arch and from here this is the stomach arch. This is superior vena cava या anterior vena cava and this is posterior vena cava opening of the coronary sinus. These are pulmonary veins.
हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसका जो सबसे मेन पॉइंट है ये लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा एंड दिस इज कॉल्ड एस साइनो एट्रियल नोड या एस ए नोड आल्सो नोन एज नोड ऑफ हीथ एंड फ्लैट. द सेकेंड नोड इज ऑल्सो लोकेटेड इन एट्रियल वॉल just below this opening of the coronary sinus. This is called AV node or atrioventricular node. Also known as node of Eschar and Tawara. These two nodes are joined together by three internodal tracts. The upper one is known as superior tract, medial tract, and inferior tract. These are three internodal tracts. From this SA node, another tract runs from the right ventricle, right atrium to left atrium, and this is known as Bachmann's bundle. From this AV node, a bundle runs towards the ventricular wall and this bundle is known as bundle of Hitch. This bundle of Hitch bifurcates in two branches, one a right branch supplying to right wall of the ventricles and another left branch. The left branch immediately bifurcates, forming an anterior fascicle and a posterior fascicle. Both of these supply to left ventricular wall. So this is the conducting system of the heart. कैसे काम करता है ये? पल्स जो जनरेट होती है हार्ट की जो बीटिंग है वो पूरी वो उसका जो कंट्रोल है वो इस साइनो एट्रियल नोड से होता है. ये साइनो एट्रियल नोड की जो सेल्स होती हैं ये एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती हैं जो स्प्रेड होती है इस थ्रू दिस कंडक्टिंग सिस्टम इस पूरे हार्ट के वाल्स में, जिससे हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है. इसीलिए ये ऐसे नोड इसको हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं. सो द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एस ए नोड. इस ऐसे नोड से इन तीनों ट्रैक के माध्यम से जो करंट है, एक तो ये जो एट्रियल वाल्व है
इसमें स्प्रेड करती है, जिससे जो एट्रियल वाल है कॉन्ट्रैक्ट करती है, साथ ही जो करंट है ये एवी नोड तक पहुंचती है। अब ये जो करंट एट्रियल वाल में रन कर रही है ये वेंट्रिकुलर वाल तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम है आर्टरो वेंट्रिकुलर सिस्टम, इसके थ्रू करंट नीचे नहीं जा सकती। इसके लिए ये एवी नोड से ये बंडल ऑफ डिस्क के माध्यम से ये करंट से फर्दर आगे वेंट्रिकल्स तक जाती है। एवी नोड जब एक्सीलरेट होता है तो उससे ये करंट वेंट्रिकल्स तक जाती है, जिससे वेंट्रिकुलर वाल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस तरह से ये पूरा एक कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का। आपको ये बता दें कि जो एसए नोड की सेल्स हैं ये रेगुलरली डीपोलराइज और रिपोलराइज होती हैं, जिससे इनमें करंट जनरेट होती है। जिस समय डीपोलराइज होती हैं उस समय जब करंट जनरेट होती है तो एट्रियम की जो वाल है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये करंट वेंट्रिकल्स में पहुंचती है तो वेंट्रिकल की वाल कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस एसए नोड के अलावा एवी नोड और कुछ हद तक बंडल, इसकी अपनी बीटिंग होती है, लेकिन इन सब की बीटिंग इस तरह से सिंक्रोनाइज होती है कि इनकी जो बीटिंग है वो एक साथ होती है। अब ये तो हुआ हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं कोर्स ऑफ ब्लड। This is the conducting system of heart. Blood का कोर्स कैसे होता है? जो राइट एट्रियम है, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा या एंटीरियर वीना केवा और पोस्टीरियर वीना केवा के माध्यम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पहुंचता है यहां राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड कहां जाता है? पल्मोनरी आर्च में, जहां से ये पहुंचता है लंग्स में। दोनों राइट एंड लेफ्ट लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाती है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है कहां? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहां से फिर सिस्टमिक आर्च में जाता है, जहां से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। तो इस तरह से ब्लड दो बार हार्ट में आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो जाता है लंग्स को, वहां से ऑक्सीजनेट होके वो वापस फिर हार्ट में आता है लेफ्ट साइड में और वहां से पूरी बॉडी में। तो ये डबल सर्कुलेशन है, तो इसीलिए हार्ट जो है वो डबल पंप की तरह काम करता है। हार्ट का जो राइट साइड है ये लंग्स या पल्मोनरी आर्च में ब्लड को पंप करता है और जो लेफ्ट साइड है वो सिस्टमिक आर्च में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। अब ये जो वर्किंग है हार्ट की ये किस तरह से होती है, इसके लिए आप देखिए, जिस समय ये एसए नोड डीपोलराइज होता है तो इससे करंट जनरेट होती है और दोनों ही एट्रियम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एट्रियम सिस्टोल and it takes about 0.1 second। जब ये systolic phase में जाते हैं दोनों एट्रियम, तो इनमें भरा हुआ जो ब्लड है, right side का deoxygenated ब्लड, right side के
वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट साइड का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में भरा हुआ ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। इस बीच ये जो करंट है ये एवी नोड तक पहुंचती है और एवी नोड से इस बंडल ऑफ हिस्ट और आगे फिर ये पुरकिंजे फाइबर्स इनके माध्यम से ये वेंट्रिकल की वाल में पहुंचती हैं, जिससे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड दिस टेक्स अबाउट 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से जो राइट साइड में राइट वेंट्रिकल में भरा हुआ ब्लड पल्मोनरी में चला जाता है और लेफ्ट साइड का सिस्टमिक आर्ट में चला जाता है। इसके बाद जिस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है उस समय एट्रियम जो है ये रिलैक्स कर रहा होता है एंड दैट इज कॉल्ड एट्रियल डायस्टोल। इट टेक्स अबाउट 0.7 सेकेंड। जब वेंट्रिकल्स का ब्लड पंप कर दिया जाता है आर्चेस में तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड इट टेक्स अबाउट 0.5 सेकेंड। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक बार एक सिस्टोल और एक डायस्टोल इस पूरे सिस्टोल और डायस्टोल को मिलाकर ये बनती है हार्ट बीट। अगर आप देखेंगे कि ये जो टाइमिंग है क्योंकि ये साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं, तो इस पूरे टाइम में जो टाइम हो रहा है एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इस तरह से आपकी जो हार्ट है एक नॉर्मल हार्ट बीट है ये 72 बीट्स पर मिनट होती है। तो ये तो बात हुई हार्ट बीट की। जिस समय ये हार्ट की एक्टिविटी चल रही होती है तो उस समय हार्ट में कुछ स्पेसिफिक साउंड्स जनरेट होते हैं। दीज आर कॉल्ड हार्ट साउंड्स। तो नॉर्मली दो साउंड्स होते हैं जो आप जानते होंगे, कई बार गानों में आपने सुना होगा धक धक करने लगा, लेकिन एक्चुअली हार्ट जो है वो धक धक नहीं करता है, उसके स्पेसिफिक साउंड्स होते हैं लव एंड डब। इनमें से जो फर्स्ट साउंड है दिस इज लव, सेकेंड इज डब। इसके अलावा दो और साउंड्स होते हैं, तो ये हो गया साउंड वन, साउंड टू, साउंड थ्री एंड साउंड फोर। इन साउंड्स के माध्यम से आप हार्ट की जो एक्टिविटीज हैं उनको समझ सकते हैं। ये जो फर्स्ट साउंड है लव, ये कब होता है? ये होता है जिस समय एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होता है और एट्रियम का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ रहा होता है, आ चुका होता है। ठीक उसी समय करंट जो है वो एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर्स में स्प्रेड करती है जिससे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनमें भरा हुआ ब्लड बैक फ्लो जा सकता है एट्रियम में। उसको रोकने के लिए जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ये क्लोज होते हैं, तो इनकी क्लोजिंग से एक साउंड जनरेट होता है, दैट इज द फर्स्ट साउंड लव। जिस इस तरह से जो फर्स्ट साउंड है ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, लव किसको इंडिकेट करता है? स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर
सिस्टोल. सो दिस इज द फर्स्ट साउंड. सेकेंड साउंड, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं, वेंट्रिकल्स का ब्लड फोर्स पंप कर दिया जाता है इन आर्चेस में, तो ये जो आर्चेस है इसके बाद वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, जिससे इनमें जो भरा हुआ ब्लड है वो वापस आ सकता है. उस वापस आने वाले ब्लड को रोकने के लिए हमने आपको बताया था यहाँ पर दो वाल्व होते हैं, दीज आर कॉल्ड सेमी लूनर और पॉकेट वाल्व. अगर आप इन वाल्व का स्ट्रक्चर देखें, दीज आर लाइक दिस. तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय ब्लड इन आर्चेस में जाता है, यहां से ये ब्लड बैक फ्लो करता है और इन पॉकेट्स में बढ़ जाता है, जिससे जैसे ही वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक फेज में जाते हैं, ठीक उससे पहले ये वाल्व ये बंद हो जाते हैं. तो इन वाल्व्स के वाइब्रेशन से भी एक साउंड जनरेट होता है, दैट इज डब. ये शॉर्ट होता है अपेक्षाकृत लब के, लेकिन इसकी पिच जो है वो तेज होती है. तो ये किसको इंडिकेट करेगा? एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो इस तरह से ये दो हाई पिच साउंड्स होते हैं जो आसानी से सुने जा सकते हैं. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेथोस्कोप, ठीक है. इसके अलावा ये जो दो साउंड्स हैं, दीज आर कॉल्ड गैलप्स. इनकी पिच बहुत कम होती है, इसीलिए इनको गैलप्स बोलते हैं. ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं? जिस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल पूरा हो चुका होता है, ठीक उसके बाद वेंट्रिकल्स डायलेट करते हैं, ठीक है. अब इस डायलेशन की वजह से इस बीच क्या हुआ है, जो एट्रियम है इनमें ब्लड भरा हुआ है, क्योंकि एट्रियम ऑलरेडी डायस्टोलिक फेज में जा चुके हैं, रिलैक्स कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो वेंस से आने वाला ब्लड है वो इनमें भरा हुआ है, ठीक है. तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो इनमें भरा हुआ ब्लड पैसिवली नीचे आएगा और इन जो वेंट्रिकल की वाल्स हैं इनसे टकराता है. उस समय एक साउंड जनरेट होता है, तो ये जो साउंड थ्री है, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर गैलप, जो किसकी वजह से सुनाई पड़ता है, किसकी वजह से जनरेट होता है, वाइब्रेशन इन दी वेंट्रिकुलर वाल्व्स, ठीक है. अब जिस समय वेंट्रिकल्स, अब थोड़ा ब्लड तो पैसिवली नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी ब्लड कहां है, एट्रियम में भरा हुआ है. ये एट्रियम में भरा हुआ ब्लड नीचे कब आएगा, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो एसए नोड है उससे करंट जनरेट होगी, ठीक है. तो फायरिंग होगी एसए नोड की सेल्स से, जिससे करंट स्प्रेड करेगी एट्रियम में और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो जिस समय एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस समय भी एक साउंड जनरेट होता है, ठीक है. किसकी वजह से हो रहा है, एट्रियल वाल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. सो दिस इज कॉल्ड एट्रियल गैलप, ठीक है. तो इस तरह से ये चार साउंड होते हैं हार्ट में. नॉर्मली जो स्टेथोस्कोप से सुने जाते हैं वो S1 और S2 है, साउंड 1 और साउंड 2, ठीक है. ये, लेकिन अगर आप इन चारों साउंड्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो हार्ट की आप फंक्शनिंग को समझ सकते हैं. अगर ये नॉर्मल अपनी स्पीड में, नॉर्मल इनकी जो इंटरवल है पिच्ड है और उस समय सुनाई पड़ रहे हैं, दैट मींस कि आपका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है. लेकिन अगर इन साउंड्स में कुछ डिस्टरबेंस है तो उससे आइडिया लग सकता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. इसके अलावा एक वर्ड और आप अक्सर सुनते होंगे हार्ट से रिलेटेड, दैट इज ब्लड प्रेशर, बीपी. नॉर्मली जो बीपी है ये 120/80 लिखा जाता है. 120/80
तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? 120 और 80, ये जो प्रेशर है ये नॉर्मली MMHG में होता है, ठीक है। तो किस चीज को इंडिकेट करता है? जिस समय वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स में भरा हुआ ब्लड कहां जाता है? आर्टरीज में जाता है। तो जो आर्टेरियल प्रेशर है, जब उसमें एक्स्ट्रा ब्लड जाएगा तो उससे क्या होगा? आर्टरीज की जो वाल है उन पर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किस समय प्रेशर बढ़ेगा? जब एट्रियम, जब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉर्मली जो आपके लेफ्ट आर्म है इस पे जो आर्टरी होती है वहां पर ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ठीक है। तो उस समय ब्लड जो ज्यादा है तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? दिस इज इंडिकेटिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जो 120 है ये क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं इस बीच क्या होता है? ब्लड कहां आ चुका होता है? एट्रियम में आ चुका होता है, यानी हार्ट जो है वो किस फेज में है? डायस्टोलिक फेज में, जिससे ब्लड जो है वो हार्ट में आ गया है, आर्टरीज में प्रेशर कम हो गया है। तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? डायस्टोल को। सो दिस इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये जो बीपी है नॉर्मली 120/80 अगर नॉर्मल है दैट मींस कि आपका हार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अगर ये बीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों ही केसेस में आपके जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है। तो उससे डॉक्टर्स जो है वो आइडिया कर लेते हैं कि हार्ट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके अलावा हार्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग शायद सुने हो, ECG। सुना है आप लोगों ने ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या होता है? आप लोग जानते हैं, अभी आपने देखा कि जब ये हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम, खासकर जो आपका SA नोड है, ये बीट करता है तो करंट जनरेट होती है। ये करंट स्प्रेड होती है कहां? SA नोड से AB नोड और AB नोड से पुलकेंद्रीय फाइबर्स के माध्यम से डिफरेंट हार्ट की वाल्स में, ठीक है। तो ये जो करंट जनरेट होती है ये अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो ये बॉडी के सरफेस तक आती है। इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है थ्रू स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग की जाती है, दैट रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये जो ECG होती है इसके माध्यम से आप हार्ट की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी, खासकर कंडक्टिंग सिस्टम, उसकी फंक्शनिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ECG एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, वो क्या है, कैसे है, उसमें जो डिफरेंट वेव्स हैं उनकी क्या इंडिकेशंस हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।